मैं आज यहाँ पर लेकर आया हूँ ज्वाइन इंडियन आर्मी ARO गया के लिए, यानी कि ज्वाइन इंडियन आर्मी का यहाँ पर गया के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें आप सभी को कल बताया था शाम वाला वीडियो में, जो आप कौन कौन से ज़िला के जो होंगे, बिहार के कौन कौन से ज़िला से जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे लोग का बहुत सारा ऐसा कमेंट आया था कि उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, कैसे कैसे उसमें प्रक्रिया होगी, तो उसका कंप्लीट जानकारी बताइए। तो मैं इसमें आप सभी को बताने वाला हूँ यहाँ पर डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर रैली में जाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या पहले बनवा कर रखना होगा। तो इस वीडियो में आप सभी को वही कंप्लीट जानकारी दूंगा, और जितने भी सारे फ्रेंड होंगे, जितने भी इंडियन आर्मी के लवर होंगे, जितने भी तैयारी करने वाले होंगे इंडियन आर्मी के, तो उन सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, और ताकि सभी को यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी उन्हें हो पाए। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर कंप्लीट जानकारी यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में ही। चैनल आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसका अप्लाई करने का वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ज्वाइन इंडियन नेवी आर्मी का यहाँ ज्वाइन इंडियन आर्मी का यहाँ पर वेबसाइट पर चले आया हूँ। यहाँ से मैं एक इंस्ट्रक्शन डाउनलोड किया हूँ, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है, यहाँ पर ARO गया नॉर्थ के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको पेज कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं इसको पेज बड़ा करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर पेज बड़ा कर लिया हूँ, चलिए आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पर है। चलिए इसको पेज थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, ताकि आप सभी को कंप्लीट पूरी तरह से दिख पाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर की ओर, यहाँ से आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस गया के लिए आर्मी रिक्वायरमेंट रैली फॉर मेन, यानी कि केवल मेल के लिए अग्निपथ स्कीम फॉर 2 नवंबर 2022 टू 15 नवंबर 2022 एट चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर, यहाँ पर लिखा हुआ है वार्निंग में जो दिया गया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे इसमें आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। और ऑनलाइन करने के लिए कौन कौन सी इस व्यक्ति अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मॉडरेटरी लॉग इन टू इस वाले वेबसाइट पर करेंगे, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर एंड टेक्निकल, इसके बाद अग्निवीर ट्रेडमैन 10th पास एंड अग्निवीर ट्रेडमैन 8 8 8वां पास फॉर मेस कीपर के लिए, हाउस कीपर के लिए और कैटेगरी ओनली के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए 5 अगस्त से, यानी कि आज से शुरू हो गया है, और इसका रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा आपको 3 सितंबर 2022 तक। रैली यहाँ पर लिखा है रैली एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन इंडियन आर्मी साइट पर 18 अक्टूबर को, यहाँ पर वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा। ओनली ब्लैक ब्लैक एंड वाइट लेजर प्रिंटर आउट विथ एक्सेप्टेड, इसमें केवल ब्लैक एंड वाइट आपको इसमें केवल एक्सेप्ट होगा एडमिट कार्ड। तो चलिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरत पड़ेगा बनवाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 19 नंबर में लिखा हुआ, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फॉलो द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 2 एक्सेप्टेड अटेस्टेड फोटो कॉपी विथ देम टू द रैली साइट। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाला जो आपको 2 एक्सेप्टेड कॉपी जो बोला जा रहा है, आपको वेबसाइट के माध्यम से एक कॉपी मिलेगा, उसको आपको अटेस्टेड करवा के और वहाँ पर आपको देना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, प्रिंट ऑन लेजर लेजर ऑन गुड क्वालिटी पेपर। जो एडमिट कार्ड आप प्रिंट कराएंगे तो एडमिट कार्ड आपको गुड गुड क्वालिटी में होना चाहिए, यानी कि अच्छा क्वालिटी में। साथ में यहाँ पर फोटोग्राफ की बात किया जाए तो यहाँ पर 20 फोटो कॉपी ऑफ द अंडरस्टैंड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी फोटोग्राफिक पेपर इन वाइट बैकग्राउंड नॉट मोर देन 3 मंथ ऑफ ओल्डर, यानी कहने का मतलब कि जो फोटो चाहिए 20 फोटो कॉपी चाहिए, आप फोटो चाहिए आपको 20 फोटो गुड क्वालिटी में, और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। साथ में आपको 3 महीना से अधिक का फोटो नहीं होना चाहिए, 3 महीना के अंदर का ही फोटो होना चाहिए। कंप्यूटर फोटो कॉपी फोटो शॉप फोटोग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मतलब अगर आप फोटो से फोटो अगर करवाते तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको फोटो खिंचवा कर तुरंत का वो आपको जमा करना होगा। फोटोग्राफ मस्ट बी विल बी पेपर हेयर कट एंड क्लियर सेव, यानी कि हेयर कट आपको क्लियर पूरा वहाँ पर दिखाई देना चाहिए। साथ में लिखा फोटो मोर देन 3 मंथ ओल्डर नॉट बी एक्सेप्टेड, 3 महीना का अगर ज़्यादा का अगर फोटो हो तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट में जाइए, एजुकेशन सर्टिफिकेट विथ मार्कशीट रजिस्ट्रेशन कार्ड एडमिट कार्ड बोर्ड सर्टिफिकेट ओरिजिनल सब होना चाहिए। इन ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव बाय द कैंडिडेट, यहाँ पर
मैट्रिक इंटरमीडिएट फॉर्म ईटीसी फॉर्म द रिकॉग्नाइजेशन स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी या बोर्ड। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर अब सेकेंड नंबर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट विल बी सर्टिफिकेट इंक साइन बाय द हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कंसर्न्ड बाय द बोर्ड या यूनिवर्सिटी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसको SLC और CLC में भी आस्क एंड कैंडिडेट विल बी कैरी ऑन SLC और CSA, यानी कि SLC और CLC सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। कैंडिडेट विद द मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल शुड ब्रिंग शुड स्कूल SLC BE या DEO और इस लिस्ट ऑफ एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्निशन बाय द स्टेट, यहाँ पर यूनियन स्टेट के बारे में बात किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव अटेक्टिव अटैच बाय द अपेंडिक्स बी विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको डायरेक्ट रूप में बात किया तो आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी होगा जैसे मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन CLC प्रोविजनल SLC सब आपको वहाँ पर ओरिजिनल लेकर जाना होगा। अब यहाँ पर डोमिसाइल की बात किया जाए तो यहाँ पर नेटिविटी का यहाँ पर सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओके द अंचल प्रखंड ऑफिसर एंड ड्यूटी डेली साइन बाय द तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी कि आपको डिस्ट्रिक्ट का वहाँ पर आपको यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको निवास प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र बोला जाता है उसको बनवाना होगा। साथ में कास्ट सर्टिफिकेट भी वही बनवाना होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट से ही बनवाना होगा। और यहाँ पर आपको रिलीजन सर्टिफिकेट यानी कि आपको हिंदू है या मुस्लिम है उसका सर्टिफिकेट आपको STM से बनवाना होगा। और स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए। इसके बाद और आगे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर जी के बाद, यहाँ पर स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द स्कूल, जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल का होगा वो लेकर जाना होगा। इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ से करेक्टर सर्टिफिकेट विद द फोटोग्राफ एट फिक्स ऑन द सर्टिफिकेट बाय इशू विलेज स्पंच म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लास्ट 6 मंथ, यानी 6 महीना के अंदर का ये आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपको गांव का यानी कि होना चाहिए। इशू बाय द मुखिया नॉट बी एक्सेप्टेड, मुखिया का होगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पर सब साफ साफ लिखा हुआ है। साथ में करेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय द SP SSP ऑफिस, तो इसका आपको एक यहाँ पर लिखा करेक्टर सर्टिफिकेट डली अफिक्स बाय द इंडिविजुअल फोटोग्राफ विजुअल डिजिटली बाय द SP SSP ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेट, डिस्ट्रिक्ट से आपको बनवाना होगा। साथ में अनमैरिड सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद फिर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद अगर आप NCC सर्टिफिकेट देते तो NCC सर्टिफिकेट यहाँ देना होगा, जैसा कि आपको यहाँ पर बात किया जा रहा है NCC सर्टिफिकेट के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर नोट में लिखा हुआ NCC सर्टिफिकेट शुड बी प्रोड्यूस एट द रैली साइड विल बी ऑन द वैलिड बोनस मार्क्स, नो NCC सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर रैली, रैली वाला एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें आपको लिखा जा रहा है ओनली वैलिड द बोनस मार्क्स वाला, जो मार्क्स वाला होगा वही आपको एक्सेप्टेबल किया जाएगा। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो देंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पर एफिडेविट की बात किया जाए तो डली साइन बाय द कैंडिडेट ₹10 का यहाँ पर आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर होना चाहिए। इसमें स्पेसिमेन डली असाइंड बाय द नोटरी विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट एट द रैली विदाउट फेल, फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट अचीव्ड पर द अफेक्स ए सबमिशन ऑफ द अफेक्टिव मॉडरेटिव इज गैन एंट्री इंटू रैली कैंडिडेट विल बी नॉट बी परमिटेड, एंट्री द रैली विदाउट एफिडेविट नॉट फाउंड ऑन द फॉर्मेट, यानी कि जो फॉर्मेट आपको मिलेगा उस पर आपको ₹10 का स्टाम्प पेपर लगाना होगा, उसके बाद नोटिस आपको साइन करवा कर लेकर जाना होगा। इसके बाद सर्टिफिकेट और बोनस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ पर समझाया गया है, आप इसको रीड कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे साइन विद बैंक अकाउंट पैन नंबर आधार कार्ड इसे आपको होना चाहिए आपके पास। इसके बाद पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट SP विथ इन लास्ट 6 मंथ, SP के पास का सर्टिफिकेट करेक्टर होना चाहिए। स्पेंच नगर सेवक या रेसिडेंस प्रूफ विथ लास्ट 6 मंथ, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र आपको लास्ट 6 महीने का होना चाहिए, जो आवासीय या जिसको डोमिसाइल बोला जाता है जिसको निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे कैंडिडेट स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू कैरी ऑन मैरिड डॉक्यूमेंट एंड पॉसिबल इन द डिजी लॉकर फॉर्मेट एल्ड फैसिलिटी, डिजी लॉकर का भी सर्टिफिकेट होगा तो आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो नोट में लिखा हुआ नोट वाला पूरी तरह से रीड कर लेंगे। मैं आपको अब दिखाता हूँ कि सभी का जो एफिडेविट कराना है उन सभी का कैसे कैसे करना है, ये सभी आप रीड कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं, इसको वीडियो पॉज कीजिएगा, इसको रीड कीजिएगा। तो चलिए मैं आप सभी को और आगे का डिटेल बताता हूँ कि और क्या क्या इसमें चाहिए इंपॉर्टेंट में, आपको यहाँ पर आगे आएंगे थोड़ा सा। एक बात और ध्यान दें कि जो यहाँ पर लिखा हुआ टैटू के बारे में, तो यहाँ पर आपके पास अगर टैटू अगर आप बनवाए होंगे कैंडिडेट लोग तो यहाँ पर आप लोग सावधान हो जाएगा, टैटू वाला आपको नहीं चलेगा, टैटू नहीं होना चाहिए।
एक बात और यहाँ पर ध्यान दोगे 34 नंबर में कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जो आपने कोविड सर्टिफिकेट का वैक्सीन लिया हो तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो ले जाना होगा आपको, 100% आपको ज़रूरत पड़ेगा, नहीं होगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन में आप पूरी तरह से 45 नंबर में रीड करेंगे पूरा, यहाँ पर आप पूरी तरह से यहाँ पर रीड कर लेना है। आपको यहाँ पर पूरी तरह से डिटेल बताया गया है, वीडियो को पॉज करके यहाँ पर रीड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे चले आता हूँ और नीचे आने के बाद मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको ये अपिक्स ए बन यहाँ पर आपको अप्रूवल करवाना होगा, ये वाला सर्टिफिकेट आपको प्रिंट कराना होगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से इस वाले डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। इसको आपको पूरा रीड करना होगा, ये पूरा भरना होगा, भर के आपको साइन मोहर कराना होगा, और साइन मोहर कराने के बाद आपको जमा करना होगा, यानी कि लेकर आपको वहाँ पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं और आगे दिखाता हूँ और इसमें क्या क्या चाहिए। जैसे यहाँ पर अपेक्स सी यहाँ पर है, आपको इसको भी आपको अनमेरिड सर्टिफिकेट है जो यहाँ पर अनमेरिड सर्टिफिकेट इसको बनवाना होगा। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट फॉर द एफिडेविट रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो आपको मैं बताया था, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इसको बनाना होगा, इसको प्रिंट करके। और इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, लिस्ट ऑफ गेम एंड स्पोर्ट के बारे में, इसमें से अगर होगा तो आप दे सकते हैं, रीड कर लेंगे। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, परफॉर्मेंस इनहेंस चेंजिंग ड्रग सर्टिफिकेट इसको बनवाना होगा एफिडेविट के लिए। इसके बाद यहाँ पर बॉडी टैटू सर्टिफिकेट बनवाना होगा। इसके बाद आपको नीचे आएंगे, यहाँ पर सर्टिफिकेट वन सर्टिफिकेट ईच ऑफ द टैटू के लिए यहाँ पर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर एफिडेविट कराना होगा। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड इसको बनवा आइडेंटिटी बॉन्ड यहाँ आपको बनवाना होगा, ये वाला सर्टिफिकेट के लिए, ये सब आपको करवाना होगा। तो इन सभी का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर वीडियो समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट है इसका आपको सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जितने भी फ्रेंड होंगे सभी फ्रेंड को शेयर जरूर कर दीजिएगा।